सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ১৯৭০ के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ाए थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। यह है कुचिसाके ओना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे, वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हां में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हां कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो उन बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हां में जवाब देते थे तो कुचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से उन बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। लेकिन कहां से आई ये कुचिसाके? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का मुंह बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हां में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कुचिसाके चली गई। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई, वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहनी हुई औरत रास्ते में मिले और पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। फिर अगर आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचें तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।